नमस्कार, आप देख रहे पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। पटेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ब्यारमा नदी के कोटा घाट, बिछिया घाट और हरदुआ घाट और ग्राम इमलिया पर चल रहा है रेत का अवैध कारोबार। खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। दिन दहाड़े ट्रैक्टरों में भरी जा रही है हजारों ट्रॉली रेत। वन विभाग में भी वही पत्थर का अवैध उत्खनन चल रहा है। पटेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत जंगल और नदियों में अवैध तरीके से वन माफिया और रेत माफिया लगे हुए हैं अपनी जेब भरने में। वन कर्मी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खनिज विभाग की टीम कभी पटेरा नहीं आती, ना तो निरीक्षण करने। पटेरा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं। पटेरा नगर परिषद की नर्सरी के समीप अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि में पत्थर की खदानें लगाई जा रही हैं। वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, चारों तरफ धड़ल्ले से धंधा चल रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इस संबंध में खनिज अधिकारी रवि पटेल से बात की तो उनका कहना है कि मैं लगातार टीम भेज रहा हूँ, आज भी टीम भेजी थी, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।